नमस्कार दोस्तों, आज परसेंटेज का टाइप फाइव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इससे पहले हम चार टाइप के सवालों के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो फेल और पास पर आधारित है। इसमें कितने तरीके के सवाल बनते हैं उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सवाल होता है लेकिन एग्जाम में आते हैं गलतियाँ बहुत होती हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो आज का जो हमारा सवाल है, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ फेल आर एंड पास, दोनों पर आधारित है। देखिएगा, इसको मैं दो तरीके से बताता हूँ, आपको दोनों तरीका में जो सही समझ में आए आप उससे लगाइए, जो आपको समझ में आए आप उससे सॉल्व करिए। क्या कह रहा है, कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तो वह 210 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु जब वो 55% अंक लाता है और 240 अंकों से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। एक जगह फेल हो रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, एक जगह फेल हो रहा है दूसरी जगह पास हो रहा है। तो कह रहा है सवाल में कि कुल अंक मतलब कितने का एग्जाम था और उत्तीर्ण परसेंट बताइए, मतलब पास परसेंट बताना है। इस तरीके का सवाल है। देखिए, इसमें हम लोग सिंपली करेंगे क्या, सबसे पहले मैं इसका एकदम शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। क्या चीज़ बताता हूँ, पहले शॉर्ट ट्रिक, फिर उसके बाद इसका जो बेसिक है वो बता दूंगा। तो शॉर्ट ट्रिक्स में हम लोग करेंगे क्या, सिंपल सी बात है, जो हमारा कुल अंक है, क्या चीज़, कुल अंक मतलब कितने का एग्जाम हुआ, टोटल मार्क्स की बात कर रहा है। कुल अंक बराबर यहाँ 100 करेंगे, अपान लगा देंगे, नीचे m माइनस n और यहाँ इंटू x प्लस वाई। अब आपको मैं बता दूँ कि कौन कौन सी वैल्यू क्या क्या है यहाँ पे। जब भी इस तरीके के सवाल आते हैं फेल और पास पर, सिर्फ इसी में इस तरीके से लगाइएगा, अगला सवाल लिखेंगे उसमें दूसरा तरीका लगेगा, बस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। तो 100 तो ऐसे रहेगा, ये m और n क्या है, ये जो परसेंट फेल और पास का जो परसेंट है, देख रहे हैं यहाँ 25% है, यहाँ 55%, इन दोनों का अंतर है यम और यन। ये वैल्यू ध्यान से समझिएगा, 55% और 25% का अंतर है। तो ये हो गया, और एक्स प्लस वाई जो ये मार्क्स है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 210 और प्लस 240, तो ये आ जाएगा 100, यहाँ आ जाएगा घटाएंगे 30, ये आ जाएगा 450। कहने का मतलब अगर ये कैंसिल कर देंगे, ये देख रहे हैं 15 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल आ गया 1500। कहने का मतलब कोई कितने का क्या एग्जाम हुआ था, 1500 का एग्जाम हुआ था। पहला तो निकल गया कुल अंक कितने का था, 1500 का। अब बात यहाँ आती है, ये तो कुल अंक था, उत्तीर्ण परसेंट पूछ रहा है, तो एक बात बताइए कि 1500 में 15 इतने अंक से वो फेल हो रहा था, मतलब कि 210 अंक से 1500 में 210 अंक से वो फेल हो रहा था, तो कितने परसेंट अंक से फेल हो रहा था वो तो निकाल सकते हैं भाई, 210 अंक से ही तो फेल हो रहा है। अगर 1500 में हम 210 कितना परसेंट वो निकाल दें, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 20 20 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 5 4 20, 5 2 10 और 5 3 15, और ये आ जाएगा कितना, 14%, क्योंकि अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14%, क्योंकि 14 3 कितना हो गया, 42, 3 4 12, 3 1 3 1 4, 14%। तो इतने अंक से फेल हो रहा था और पाया कितना था, 25%, तो टोटल कितना परसेंट पास होने के लिए चाहिए, तो हम 25% में 14% जोड़ लें, तो जब 25 और 14 जोड़ेंगे हम यहाँ पे, तो 39%, यानी मतलब 39% अगर वो मिलता तो उसको क्या हो जाता, वो पास हो जाता। तो कितना आसान था, कुल अंक निकालने के लिए पहले ये निकाल लिया, जितने अंक से वो फेल हो रहा था उतना हमने निकाले, तो 14% निकला, क्योंकि यहाँ परसेंट में पूछा कि उत्तीर्ण परसेंट बताइए, तो 25% तो पा ही रहा था वो, इतना उसको मिल रहा था, कितने परसेंट से फेल हो रहा था भाई, 210 अंक 1500 में 210 अंक से फेल हो रहा था, इसको परसेंट में निकाल लिया तो कितना गया, 14%, यही 14% इसमें जोड़ देंगे तो ये जो 39% आ रहा है उतने से वो क्या कर जाएगा, पास हो जाएगा। तो पास परसेंट 39% आया, कुल मार्क्स कितना आ गया, 1500। ये तो आपका था शॉर्ट ट्रिक। दूसरी चीज़ देखिए इसमें, और हम दूसरा तरीका, इसका एक तरीका और बताते हैं, उसको आप समझिएगा।
जैसे यहाँ पे कितना है 25% पाया है तो कितने से फेल हुआ है 210 से, 55% पाया है कितने से पास हुआ है 240 से। आप एक काम करिए, इन दोनों का अंतर ले लीजिए, तो अंतर लेंगे आ जाएगा 30% और इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 450। तो 30% बराबर ये हुआ, हम कहें 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 450 में हम 30 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 1% बराबर, तो कुल परसेंट टोटल का भाई इतना मार्क्स हो गया। तो हम आपसे ये कहें कि 100% मतलब कि टोटल मार्क्स तो 4503 और गुणे कितना कर देंगे 100। तो देख रहे हैं ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 15 बार है मतलब इसको भी सवाल आपने किया, मैं काफ़ी नीचे लिख दिया इसको। तो यहाँ देखिएगा ये भी जो आपका आंसर आया, इस लाइन को मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ये 1% बराबर ये हुआ। तो हम आपसे कहेंगे ये बताइए कि 100% बराबर, 100% का मतलब टोटल मार्क्स, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा 450 30 और गुणे 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1500। देख रहे हैं वही जो 1500 आया यहाँ पे, वही 1500 यहाँ पर भी आ गया, मतलब टोटल मार्क्स हमको पता चल गया। तो 1500 ये क्या आया, 1500 आपकी कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है टोटल मार्क्स की, कुल अंक का। और फिर आपको जब टोटल ये अंक मिल गया तो फिर हम इसी पहले वाले पे चले आएंगे। देख रहे हैं जो यहाँ निकाले थे 210 का 1500 निकालेंगे तो कितना परसेंट मिलेगा आपको, 14%, और पहले से 25% जो लोग जोड़ देंगे तो हमको फिर क्या होगा, कुल परसेंटेज कितना परसेंट चाहिए पास होने के लिए, उत्तरी परसेंट ये हमको मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका एक मेथड है, ये इसका दूसरा मेथड है। ये वाला जो हमने सॉल्व किया है और जो 210 ये, इसके बाद आपको यही आगे कर देना है, कितना 210 बटा 1500 गुणे 100 निकालेंगे तो 14% आएगा, इस 14% को 25% में जोड़ देंगे तो 39%। तो एक मेथड ये भी है लगाने का, जिससे आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। अब आइए हम क्या करते हैं, एक सवाल और लिखते हैं, देखिएगा वो इससे चेंज रहेगा, ये थोड़ा उसे डिफरेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला जो सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल हमारा देखिएगा क्या है, दूसरा सवाल बहुत ही आसान सवाल है, कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है, तेरा एक विद्यार्थी को 220 अंक प्राप्त होता है, और 20 अंकों से असफल हो जाता है, 20 अंकों से असफल हो जाता है मतलब फेल हो जाता है, तो कह रहा कि कुल मार्क्स बताइए, मतलब कुल अंक बताइए ये पूछ रहा है। आप हमारे बात को समझिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% नेसेसरी है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 220 अंक प्राप्त होता है लेकिन 20 अंकों से वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। कहने का मतलब कि अगर 240 अंक पाया होता तो वो पास हो जाता, इतनी बात तो आप समझ रहे होंगे भाई, 220 अंक पा रहा है 20 अंक से फेल हो रहा है, तो अगर उसको यही टोटल 240 मिल गया होता तो वो पास हो जाता, यही बात है। इसका जो बेसिक है, जैसे हम बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं वो कैसे करते हैं उसको आप समझिए।
हम अगर मान लें कि माना कुल अंक एक्स है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, अनिवार्य 40%। तो यक्स का 40% अगर निकालें, 40% यक्स का 40% मतलब यहाँ यक्स से गुणा कर दें, तो आपको मालूम है कि यह यक्स गुणे ऐसे करिए कि यहाँ पे अगर यक्स का हम 40% निकालें तो यही होगा 40/100, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो यक्स मतलब 2x/5 आ गया। मतलब ये मार्क्स है पास मार्क, मतलब ये है कि ये जो ये अंक आ रहा है, ये टोटल 2x/5, ये क्या रहा है, ये आ रहा है कि इतना मिलेगा तो वो पास हो जाएगा। और आपको मालूम है पास होने के लिए टोटल 220 और 20 मिल के कितना चाहिए, 240। तो आप यहाँ करेंगे क्या, देख रहे हैं ये 120 बार में कैंसिल 2 से हो जाएगा, तो x बराबर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 600। कहने का मतलब कि टोटल 600 नंबर का था। बहुत ही आसान है, हमने माना कि कुल अंक कितना है, x है, मतलब टोटल का अगर वो 40% पा जाता है तो 40% टोटल का कितना मिला हमको, 2x/5, तो वो इतना मार्क्स पा के पास हो जाता। और ये हमको नीचे पता है कि 220 अंक पा रहा था और 20 अंक से फेल हो रहा था, मतलब दोनों को जोड़ दें तो 240 पाएगा, तो यही जो पास मार्क्स है उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x निकाले तो x बराबर 600 हो गए, क्योंकि इसमें पूछ रहा था कि टोटल कुल मार्क कुल अंक पूछ रहा था, तो कुल अंक 600 का था। अब 600 का अगर हम 40% निकालें, आप समझिएगा, देखिएगा 600 का अगर हम 40% निकालते हैं तो देख रहे हैं ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, और 6 का जब 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 240, यही तो आ रहा, देख रहे हैं पास मार्क का। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ, एक तो तरीका ये है निकालने का, इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं जो बेसिक होता है, लेकिन हम उस पर नहीं जाते हैं, हम यहाँ देखते हैं कितना परसेंट है। आप बोले 40% है, और 40% का अगर हम पूछे भिन्न क्या होता है, तो आप कहेंगे 2/5। तो कहें मतलब टोटल आपका क्या है, 5 है। और टोटल हम इसमें बताए थे फ्रैक्शन में, इससे पहले वाले वीडियो में बताते कि हम लोग ये मान लेते कि ये टोटल है 5, ये कुल मार्क्स है, ये कुल अंक यही है आपका। तो 5 का अगर 40% निकालेंगे तो 2 आएगा, कहने का मतलब कि जो 2 यूनिट है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 है क्या, 5 का 40% और 40% चाहिए पास होने के लिए, तो 5 का 40% मतलब 2, मतलब ये 2 यूनिट चाहिए उसको पास होने के लिए, 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, पास होने के लिए कितना चाहिए, दोनों को जोड़िए 240, तो 1 यूनिट बराबर 120, तो कुल मार्क्स मतलब 5 यूनिट बराबर 120 में 5 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 600। एक तरीका ये भी है, मतलब आप समझ रहे हैं ये बात को, मैंने कहा कुछ नहीं करो ना, 40% ये इसका 2/5 फ्रैक्शन रूप हो, मैंने कहा नीचे जो होता है कुल मार्क्स होता है, 5 का 40% और कुल का 40% ही तो क्या है, अनिवार्य है पास होने के लिए, तो 5 का 40% निकालेंगे 2 आएगा, तो ये 2 जो है ये पास मार्क है, और पास मार्क्स है टोटल कितना, 220 फेल पा रहा था लेकिन 20 से फेल हो रहा था, दोनों को जोड़ दिया 240, मतलब 2 बराबर 240, 1 बराबर 120, तो 5 बराबर 600। तो ये दूसरा तरीका है आपका इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए, बात आप समझ गए होंगे। आइए एक और इसी में लिखते हैं, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल लिखते हैं। देखिए हर अलग अलग टाइप के सवाल हैं ये, और ये सवाल को आना चाहिए, ये दो दो तरीके मैं बता रहा हूँ इसमें, और आपको हर सवाल के हम दो दो मेथड्स बता रहे हैं, सिर्फ एक मेथड नहीं बता रहे हैं, और आप अगर उसको सीख लेते हैं तो बड़ी ईजिली से आप सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा क्या है, एक सवाल और लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी विद्यार्थी किसी परीक्षा में, समझिएगा ये बहुत ही अच्छा सवाल है, किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में पास होते हैं, इसमें हिंदी में पास होते हैं, पास नहीं हिंदी में फेल हुए हैं, यहाँ कर लीजिएगा फेल, और 45% जो है अंग्रेजी में फेल हुए हैं, अंग्रेजी में फेल,
20% दोनों में फेल हुए हैं, 20% दोनों में फेल हुए हैं, फेल हुए हैं, ये 20% जो है दोनों में फेल हो गए हैं। कह रहा उन छात्रों का परसेंट बताइए जो दोनों में पास हुए हैं। कह रहा है कि उन छात्रों का परसेंट बताइए जो दोनों में पास हुए हैं, दोनों में पास हुए हैं। देखिएगा बहुत ही सिंपल है, क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए हैं, 45% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा क्योंकि अगला सवाल इससे डिफरेंट रहेगा। यहाँ फेल की बात कर रहा है, यहाँ भी फेल की बात कर रहा है, ये फेल है भाई, और दोनों में हर जगह फेल फेल है, बात समझ रहे हैं। यही सवाल में ध्यान देना पड़ता है, जैसे ये सवाल दिया कि ये पता देखिए कि क्या सब में फेल है, मतलब पहला 35% हिंदी में फेल, 45% अंग्रेजी में फेल, 20% दोनों में फेल। ऐसे सवाल का सबसे मैं शॉर्ट ट्रिक पहले बताता हूँ, फिर इसको मैं वेन डायग्राम से बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक पहले समझिए, पास परसेंट बराबर होता है 100 माइनस, ध्यान दीजिएगा, पास परसेंट बराबर 100 माइनस, ये फर्स्ट का मतलब हुआ पहले में फेल, माइनस ये जो लिखा हूं सेकंड मतलब दूसरे में फेल, और नीचे लगाते हैं प्लस, ये आप देखिएगा बोथ, बोथ का मतलब दोनों में फेल। एक फार्मूला है कि पास परसेंट बराबर 100 माइनस फर्स्ट में फेल, माइनस सेकंड में फेल, प्लस बोथ में फेल। ये जो दोनों में फेल है ये प्लस लगा है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो 100 रहने दीजिए, माइनस पहले में कितने परसेंट फेल, 35%, खाली वैल्यू रखिए, माइनस दूसरे में कितने फेल हुए हैं, 45%, और प्लस दोनों में 20%, खाली वैल्यू रखना है बस, पास परसेंट अपने आप समझ में आ जाएगा दोनों में कितने पास परसेंट है, तो 100 माइनस। अब एक बात समझिएगा, अगर ये 20 को इसमें जोड़ देंगे तो डायरेक्ट 120 लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है, ये 5 5 10 और 4 3 7 1 8, मतलब 40% ऐसे हैं जो दोनों में क्या है, पास है। तो 40% आपको आराम से निकल गया, ऐसी वैल्यू है जो दोनों में क्या है, पास की है। एक तो तरीका ये है, डायरेक्ट फार्मूले पे देख रहे हैं, पास परसेंट बराबर 100 माइनस फेल प्लस बोथ फेल। यही एक फार्मूला सिर्फ याद रखिएगा, इसी से सभी सवाल लग जाएंगे इस तरीके के जो आते हैं कि कोई एक में फेल, दूसरे में फेल, तीसरे में फेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात भाई, आगे मैं इस चीज़ को पढ़ाऊँ, मैं आपको बता दूँ, आप वीडियो को देखते हैं, देख करके पढ़ करके स्किप कर जाते हैं, हट जाते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो आपसे थोड़ी सी एक उम्मीद ये लगाते हैं कि आप कम से कम वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए, इससे थोड़ा सा हम लोग का मनोबल जो है डाउन होता है वो थोड़ा सा बढ़े, हम आपके लिए और काम कर सकें। तो आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। तो पास परसेंट बराबर ये, क्योंकि आप देख रहे हैं सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, तो थोड़ा सा इससे भी लगता है कि हाँ आपकी प्रॉब्लम क्या है। दूसरा चीज़ क्या है, देखिए जो वेन डायग्राम का है, आप ऐसे बना लीजिए, ये जो बीच का एरिया आ रहा है ये मतलब दोनों का है भाई, ये क्या है, ये इस वाले सर्किट में भी पड़ रहा है, यही इसमें भी पड़ रहा है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ हिंदी की बात हो रही है और दूसरा बात हो रहा है किसकी, अंग्रेजी की बात, तो पहले जो दोनों में फेल हुई हैं उसको कर दीजिए 20। तो कह रहा है कि 35% हिंदी पास हुई है, इसका मतलब 20 तो ऑलरेडी है इसमें, 20 तो फेल हुआ ही है हिंदी में, और टोटल 35 है, इसका मतलब 15%, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 35 मिल गया ना हिंदी में पूरा, इस वजह से याद रखिएगा 20 ये और ये जोड़ दिया, ऐसा मत करिएगा 35 कर दीजिए, क्योंकि 35 फिर 20 दोनों जोड़ देंगे तो आप देख रहे हैं तब तो ज़्यादा हो जाएगा। अब 20% अंग्रेजी में ऑलरेडी फेल है और कह रहा है टोटल कितना है भाई आपका, 45%, तो इसका मतलब यहाँ पे 25%, तभी ना दोनों जुड़ के 45% हो जाएगा, ये सब फेल वाले हो गए। कहने वाला अगर हम पूछे कि बताइए टोटल कितना फेल हुए हैं,
तो टोटल फेल होने वाले देख रहे हैं, दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 20, ये हो जाएगा 35, आ जाएगा कितना 15 20, जोड़ दीजिए ऐसे, तो 5 5 10, 2 2 4, 1 5 1 6, मतलब 60% ऐसे हैं जो सब फेल हैं। तो पास परसेंट कितना होगा अगर हम पूछे तो आप कहेंगे 100 में से वो फेल वाला घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पास परसेंट पूछ रहा है, तो 100 में से 60 को अगर हम घटा देते हैं तो 40% आया। देख रहे हैं एक वेन डायग्राम से ही भी इस तरीके से सवाल लगाते हैं, तो आप बात को शायद समझ रहे हैं। देखिए कितना आसान है, ये इसका एक मेथड है, ये दूसरा मेथड है, जो मेथड आपको सही लगे आप उसी से करिए। क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 35%। ध्यान देना है कि इस सवाल में जो ये फार्मूला लिखा है, हमने ये सूत्र लिखा है, इसमें हर जगह खाली फेल की बात हो रही है। अभी अगला सवाल ले आएंगे तो उसमें देखिएगा तो वहां पे पास दिया रहेगा, तो उसको कैसे करेंगे इस बात को ध्यान देना है। ये चीज मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 20% दोनों में फेल थे और 35% कह रहा है हिंदी में, तो 20 तो ये है ही इसमें, प्लस इसमें इसको जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा, और यहाँ जोड़ेंगे तो देख रहे हैं 45 हो जाएगा जो अंग्रेजी में है, और फिर ये टोटल जोड़ दिया तो आ गया हमारा 60%, ये फेल वाला हुआ, क्योंकि सब फेल फेल लिखा गया है, हर जगह फेल है। तो पास परसेंट मतलब 100 में से घटा देंगे जो बचेगा, वही 60% अगर फेल हो गए तो 100 में से 60 घटा दिया, जो बचा वही पास हो गया। तो ये था इस पे वेन डायग्राम पे और ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला जिसको मैंने बताया। अब आइए इसी में थोड़ा सा हम सवाल को चेंज करते हैं, ये डिजिट चेंज कर देंगे, ये फेल को हटा देंगे, यहाँ इसको भी मैं हटा देता हूँ। अभी देखिएगा सेम सवाल लेकिन इसमें चेंज कर दे रहे हैं, खाली मैं यहाँ पे सवाल के जो फॉर्म है वो चेंज हो जा रहा है, फेल हटा दे रहे हैं। आगे फिर देखिएगा कैसे आप करेंगे इसमें, और मात्र एक फार्मूले से ही ये सवाल आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए समझिएगा इसको, हम बताते हैं। अगर हम ये कहें कि किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, यहाँ पास कर दीजिए, पहले फेल था, और अगर मैं ये कह दूँ कि यहाँ पे कि 48% अंग्रेजी में पास हुए, पहले फेल था, और यहाँ कह दूँ कि 30% ऐसे हैं जो दोनों में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। देखिए किसी परीक्षा में 65% हिंदी में पास, 48% अंग्रेजी में पास, और दोनों में 30% हुए, 30% पास हुए, इसको कह लीजिए पास, आप नीचे लगा दीजिए हुए। अब सवाल में कह रहा है कि कितने परसेंट दोनों में असफल हुए, सवाल में कह रहा है कि बताइए कितने परसेंट छात्र, उन छात्रों का परसेंट बताइए जो दोनों में असफल हुए। अब ये रहा हमारा सवाल, देखिएगा कि मैं इसको बताता हूँ। देखिए सवाल एकदम चेंज है, किसी परीक्षा में 65% छात्र हिंदी में पास, 48% अंग्रेजी में पास, 30% पास हुए हैं, दोनों में 30% पास हुए, उन छात्रों का प्रतिशत बताइए जो दोनों में असफल हुए हैं, उस वाले सवाल से एकदम क्या है ये अलग है। तो हमारा जो फॉर्मूला था पास परसेंट का बराबर, अभी मैंने लिखा था 100 माइनस पहले में फेल माइनस सेकंड में फेल, और प्लस लगाया था क्या चीज, बोथ में फेल, ये तो फेल के लिए था, यहां तो पास दे दिया है। तो लेकिन आप इस, मैंने कहा एक ही फार्मूले से आप सारे सवाल लगा सकते हैं, कैसे देखिएगा, पास परसेंट बराबर 100, भाई हमें यहाँ फेल लिखना है, तो बताइए जब 65% हिंदी में पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, 100 में से 65 को घटा दीजिए तो कहने का मतलब 35, आपको फेल लिखना है क्योंकि 65 पास हुए हैं तो फेल भी तो हुए होंगे, तो 100 में से जब 65% पास हो गए हिंदी में, जिसका मतलब 35 फेल हो गए, माइनस सेकेंड में देखिएगा कि कह रहा है कि सेकेंड में फेल, तो सेकेंड में कितने फेल, जब 48 जो है आपके दोनों में पास है, तो इसका मतलब 48 100 में से घटा देंगे तो 52% क्या हो गए, ये फेल हुए, और प्लस
30% दोनों में क्या हुए हैं, पांच हुए हैं, लेकिन हमको दोनों में यहाँ फेल लिखना है, तो 30 का मतलब यहाँ 70 हो जाएगा, तो ये 170 माइनस है, ये देख रहे हैं कितना हो जाएगा, 5 2 7 5 3 8 87, तो घटाएंगे यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 83% ऐसे हैं, सॉरी 83% आया ये पास का, क्या आया पास का, जब आप घटाएंगे देखिए 7 आएगा, 83 पास है, तो हम आपसे पूछे कि फेल कितने हुए होंगे, इसका मतलब 83 पास हुए हैं, तो 100 में से 83 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कितना, मतलब 17% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों में असफल हुए हैं, तो ये तो पास का निकला इस फार्मूले से, लेकिन हमको फेल का चाहिए, तो 100 में से 83 घटा दिया, भाई 83% दोनों में 83% पास हो रहे हैं, तो इसका मतलब फेल कितने हुए होंगे, 17%। एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका देखिए इसका जो है उसको मैं बताता हूँ। अब यहाँ बात ये है कि फिर वही हम लोग वेन डायग्राम बना देते हैं, ये रहा, यहाँ आप कर दीजिए हिंदी, क्योंकि हिंदी का मामला है, यहाँ अंग्रेजी का मामला है, इंग्लिश का, पहले आप ये देखिए कि कितना दोनों में पास हुई है, तो 30% दोनों में पास हुई है, 65 हिंदी में पास हुआ है, तो 30 ऑलरेडी हो चुका है, इसका मतलब 35 हो गया, तभी ना दोनों जोड़ के 65 हो जाएगा, हिंदी देखिए हिंदी में पास हुई है, अब सिर्फ यहाँ पास का मामला है, 30% दोनों में पास, 65 हिंदी में था, तो ये यहाँ इस वजह से लिख दिया क्योंकि ये देख रहे 30 तो ये पहले वाले हिंदी वाले में, जो पहला वाला है ये हिंदी के लिए है और ये इंग्लिश के लिए है, 30 इसमें ऑलरेडी आ रहा है, 35 और है, तो दोनों को जोड़ दिया 65 हो गया, अब देखिए 48 है और 30 है, इसका मतलब यहाँ पे 18% हो गया, अब आप क्या करिए सबको जोड़ लीजिए, ये आपका पास निकलेगा, तो जब पास परसेंट टोटल 35 30 18, तो कितना आ जाएगा, 65 18, 8 5 13 और 6 1 7 1 83, 83% जो निकला था, देखिए 83% यही पास निकला था, तो हम आपसे कहें बताओ भैया फेल परसेंट कितना होगा, तो फेल के लिए क्या करेंगे, 100 में से 83 घटा दीजिए, तो 17% यहाँ भी आया, मतलब 17% ऐसे हैं जो दोनों में असफल हुए हैं। तो मेरे दोस्त, चाहे आप इस वाले से चाहे इस वाले फार्मूला से, आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आज मैंने आपको 2 3 4 तरीके के सवाल बताए जो फेल और पास पर आते हैं, और उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी, और फिर एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना भाई बिल्कुल ना भूलें। मैं रेगुलर बनाता हूँ वीडियो और डेली आपके साथ जुड़ा रहूँगा, आपका रिस्पांस हम आपके लिए हम उतना ही वर्क कर सकेंगे। आपको समझ में आता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें चीज़ों को, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा मैं, और दूसरा मेरा परसेंटेज के सारे वीडियो जो है 1 बाय 1 हर टाइप के हैं, तो उम्मीद करते हैं आप सारा वीडियो देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, जो ये इससे पहले मैंने जो 1 2 3 4 जितने भी हमारे वीडियो परसेंटेज के हैं सब टाइप वाइज हैं, पहले वीडियो में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया, फिर टाइप 1 टाइप 2 इस तरीके से हमारा हुआ है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्त मैं आपके साथ फिर आऊँगा एक नए टॉपिक के साथ, एक नया कॉन्सेप्ट के साथ इसी परसेंटेज का, जब तक पूरा परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट बता नहीं दूंगा तब तक इसी तरीके से बताता रहूँगा, और अगले वीडियो का इंतजार करिए, जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।